गुड इवनिंग। आज हम सेट के बारे में जानेंगे। सेट क्या है? सेट के बारे में सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन जार्ज कैंटर ने बताया था। उनका जन्म 1845 में हुआ था। 1918 में उनकी डेथ हो गई थी। अकॉर्डिंग टू जार्ज कैंटर, सेट की परिभाषा क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ए सेट इज एनी कलेक्शन इन टू होल ऑफ डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आवर इंट्यूशन आर थाट। एनी कलेक्शन टू होल का मतलब ऑब्जेक्ट शुड हैव द सर्टेन प्रॉपर्टी। डिस्टिंक्ट की मीनिंग नो ऑब्जेक्ट शुड बी रिपीटेड इन द कलेक्शन। डेफिनेट का मतलब वी मस्ट एबल टू डिसाइड वेदर दैट ऑब्जेक्ट बिलोंग टू कलेक्शन आर नॉट। बाद में इसको आप समझ लो, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और क्लेरिफाई होगा। वो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। मान लो ये कुछ लोग हैं, इनसे अगर पूछा जाए कि टॉप बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे अच्छे लीडर्स कौन से हैं, तो शायद इन लोगों को जवाब देना मुश्किल है। इसी तरह से मान लो 12th क्लास स्टूडेंट है और उसमें ये क्वेश्चन किया जाए कि भाई इसमें सबसे खूबसूरत कौन है, कौन कौन खूबसूरत स्टूडेंट है, तो इसका भी जवाब देना मुश्किल है। तो ऐसे वेल डिफाइंड नहीं होंगे कलेक्शन, मतलब इनका ऐसा कलेक्शन ना हो। प्रॉपर्टी तो है लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं हुए। लेकिन अभी एक एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूँ, मान लो कोई पूछे 10 से छोटी पॉजिटिव संख्याएं क्या है, या 9 से छोटी या उसके बराबर पॉजिटिव संख्याएं क्या है, पॉजिटिव नंबर्स क्या हैं, तो शायद ये लोग तुरंत जवाब दे देंगे। वो संख्याएं क्या हो सकती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 से छोटी भी हो सकती है और 9 से छोटी और 9 के बराबर संख्याएं हो सकती है। तो ये सेट वेल डिफाइंड हुआ, इसमें सारे चीज हैं। तो इसलिए एक मॉडर्न परिभाषा बन के आई, वो परिभाषा क्या है उसको जानेंगे। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? ए सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ आवर इंट्यूशन आर थॉट विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंक्स का मतलब नो ऑब्जेक्ट शुड बी रिपीटेड। डिस्टिंग्विशेबल मतलब द ऑब्जेक्ट ऑफ द कलेक्शन मस्ट बी नोन दैट इज गिवेन एनी ऑब्जेक्ट्स। वी मस्ट एबल टू डिसाइड वेदर दैट ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द कलेक्शन आर नॉट। सो ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट हैव कॉमन प्रॉपर्टी एंड ऑब्जेक्ट आउटसाइड द कलेक्शन डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। जनरली द ऑब्जेक्ट ऑफ द कलेक्शन कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ आर मेंबर ऑफ द सेट। इफ ए इज ए सेट ऑफ स्मॉलर देन, इफ ए इज ए सेट ऑफ स्मॉलर देन 10 आर स्मॉलर आर इक्वल टू 9। फॉर एग्जाम्पल कि जो मैंने दिया एज इक्वल टू ये सेट है, तो इस सेट में आप देखोगे कि इसमें एक वेल डिफाइंड आंसर आता है। ये अलग अलग एकदम साफ क्लियर लिखे हुए हैं और ये पॉजिटिव नंबर को बता रहे हैं, और 10 से छोटी पॉजिटिव नंबर को बोला गया तो यही नंबर निकालते हैं। यहाँ देखो ये सेट को ब्रैकेट से दिखाया गया है, ब्रैकेट बंद कर दिया गया, इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं। यहाँ 1 इज बिलोंग टू ए,
जिसको ये इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एप्साइलन साइन कहते हैं। वन इज बिलोंग टू ए, और इसको बिलोंग टू भी पढ़ते हैं, बिलोंग टू पढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया, तो यहाँ देखिए, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड एंड एलिमेंट्स स्मॉल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड ई टी सी एटसेट्रा। मतलब सेट को कैपिटल लेटर्स ए बी सी और एक्स वाई जेड के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जाता है, और उनके एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड में दिखाते हैं। द साइन एप्साइलन कॉल्ड एप्साइलन मीनिंग टू बिलोंग, इसका मतलब ये एप्साइलन साइन है, इसका मतलब क्या है, बिलोंग है, इसका मीनिंग क्या है, बिलोंग है। तो एक नई परिभाषा शॉर्ट में आ गई, ये सेट इज बिल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसा सेट हो जो वेल डिफाइंड हो, तो उसको सेट बोला गया। तो रिप्रेजेंटेशन मेथड सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर वन, टेबुलेशन फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म मतलब ये ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, 1, 3, 5, 7, 9 ब्रैकेट बंद। सेट ऑफ वॉवेल इंग्लिश लेटर ए आई ओ यू, सेट ऑफ द लेटर्स एग्जाम, ये सब ब्रैकेट में बंद कर दो तो सेट माना जाएगा। दूसरा रिप्रेजेंटेशन था प्रॉपर्टी मेथड ऑफ सेट या बिल्डर फॉर्म। इसको कैसे लिखेंगे? इसको थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं। जैसे ये है कि सेट है, सेट ए इक्वल टू 1, 3, 5 कैन बी रिटन है ए इक्वल टू एक्स ऑब्लिक कैपिटल एक्स बिलोंग टू एन, एक्स इज ऑड नंबर स्मॉलर देन ऑड नंबर, एक्स इज स्मॉलर देन 5। यहाँ देखो, इसको एक्स का एलिमेंट बना दिया गया और इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ एक्स इज स्मॉलर देन 5 लिख दिया, या एक प्रॉपर्टी इसको लिख दी गई और इसको लिख दिया गया। द सेट ऑफ ए इक्वल टू ए आई ओ यू, तो इसकी एक प्रॉपर्टी लिख दी गई, ए इज इक्वल टू एक्स ऑब्लिक एक्स इज ए वॉबल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये एक वॉबल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये भी प्रॉपर्टी लिख दी गई। दिस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल अभी देखो, इसको हमने हमको लिखना है जैसे द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, दस ए इज इक्वल टू 2n अपॉन n, 2n रेशियो n एंड बिलोंग टू n, ये नेचुरल नंबर है, बिलोंग टू n, ऐसे मैंने कर दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल है, इसको आप समझिए, थोड़ा सा टफ। द सेट ऑफ इवेन नंबर्स, द सेट ऑफ इवेन नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए इक्वल टू 2n रेशियो n, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, रेशियो n बिलोंग टू n। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, द सेट ऑफ ऑल इवेन नंबर्स। नाउ नेक्स्ट समझेंगे, कार्डिनल नंबर क्या होता है एंड फाइनाइट सेट क्या होता है। हाफ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एंड इट इज डिनोटेड बाई एन ब्रैकेट ए, एन ऑफ ए। मतलब जितने भी एलिमेंट होते हैं वो उस सेट का कार्डिनल नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट ए इक्वल टू 1, 3, 5 देन एन ए इक्वल टू 3, मतलब इसमें जो एलिमेंट होंगे वो 3 होंगे। अभी टाइप्स ऑफ सेट देख लो, फाइनाइट सेट, द सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट
is called finite set. Let A equal to 1, 2, 3, only 3 elements. Let B set of odd positive numbers, let B is equal to, ये है, इसको ब्रैकेट में बना, देन बी इज नॉट फाइनाइट, क्योंकि यहाँ एंड सो वन है, ये फाइनाइट नहीं, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये फाइनाइट सेट नहीं है. इनफाइनाइट सेट, ये सेट हैविंग नॉट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. एन इक्वल टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो वन, एन इज इनफाइनाइट सेट, एन को इनफाइनाइट सेट कहते हैं. लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन. अगर एक स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे वो इनफाइनाइट सेट में आते हैं, ऐसे नल सेट हैं. इस सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट आर एम्प्टी सेट आर एवॉइड सेट. इट इज डिनोटेड बाय फाई और इसको ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, ये नल सेट होगा. ऐसा एलिमेंट हो, ऐसा सेट हो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको नल सेट कहते हैं. तीसरा है, नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल ऑफ नल सेट. लेट ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय टू. ऑड नंबर जो होते हैं उसको दो से ही डिवाइड किया बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सेट नहीं बनता, इसलिए इसको हम नल सेट बोलेंगे. लेट बी द सेट ऑफ इमोर्टल पर्सन. इमोर्टल पर्सन कोई भी नहीं होते हैं, अमर लोग नहीं होते हैं, इसलिए उसको सेट को, ऐसे सेट को भी नल सेट कहा गया. हियर ए एंड बी आर द नल सेट. तो सिंगलेटन सेट समझेंगे. ए सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट. ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो उसको सिंगलेटन सेट कहेंगे. एग्जाम्पल ए इक्वल टू द सेट ऑफ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मतलब एक ही प्रेसिडेंट हो सकता है, इसलिए सिंगलेटन सेट है. दूसरा दो है, जीरो है, फाइव है, ब्रैकेट में है, ये एक एलिमेंट है, इसलिए इसको सिंगलेटन सेट कहते हैं. इक्विवेलेंट सेट क्या है? टू फाइनाइट सेट, ऐसे फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम कार्डिनल नंबर. अगर कोई ऐसे सेट हैं जिसके कार्डिनल नंबर सेम हो, द सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली एन ए इज इक्वल टू एन बी. यहाँ पे देखो, इसको मैं द सेट निकाल देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ. दस द सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ को इफ एंड ओनली इफ पढ़ेंगे, इफ एंड ओनली इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी. यानी इस सेट में इफ लेट, अभी इसको उदाहरण समझो, इसको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी. लेट, अगर मान लो ए एक सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 पांच नंबर है, ए ई आई ओ यू, इसमें भी पांच नंबर है, हियर एन ए इक्वल टू एन बी, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी. इसको ऐसे लिखेंगे, हियर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, दैट्स ऑल. तो ये मेरा जो जानकारी आज मैंने बताई, आज जिसके बारे में हम लोगों ने समझा, या बेसिकली 11, 12, 9, 10 और इंजीनियरिंग एंट्रेंस देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत काम का है. और जो हायर कंपटीशन देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत काम का है. जीके के पर्पज से भी, बेसिक नॉलेज के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ थी. थैंक यू.